सुनसान गलियां और हम, अरे रे, 8 बजे निकले, 11 को इधर पहुंचे। देखो अब भटकेंगे यहीं पे, उसके बाद सीधा जबलपुर की ट्रेन 6 बजे है। तब तक घूमते हैं, देखेंगे अभी हाई ड्राइव जाएंगे, अगर खुला होगा तो उधर ही रुकेंगे थोड़ा। तो अभी पद यात्रा में हम लोग ग्यारह बज के 13 मिनट हो रहे हैं। इसके चक्कर हम लोग जल्दी आ गए, फिर ज़्यादा अच्छी बात है। अब रीवा राउंड मारेंगे, घूमेंगे पूरा, उसके बाद निकलेंगे जेवीपी ट्रेन के लिए। अब तो टाइम है 6 बजे सुबह ट्रेन। कब से देख के नहीं यार, मैं हमेशा हंसता ही रहता हूं। शौक है बचपन से। ये नहीं, ये बंदा पिछली बार भी हंस रहा था। हां पिछली बार मिले थे तुम इसी गेट पे, हमेशा हंसते रहते हो। ये बात, हंसते रहना चाहिए, ये सही है। ये भी सही है। बस बस मत साबित मत करो वहीं के हो। ग्राउंड फ्लोर अंडर क्या आत्मा उत्मा रहते हो गाय बोला एकदम फंसने वाली। वो ऊपर दिख रही है ना वो जगह बिल्कुल आओ रीवा तो पैसे वसूल जगह है, इधर जरूर विजिट करके जाओ। TST आई ड्राइव। देखो वापसी में अगर मौका मिला तो इधर जरूर जाएंगे। प्लाजा के मार्केट वाला ये किला है, प्लाजा में मार्केट यार किला है। यार मैं कभी नहीं घूम रही, ये लोकेशन बेस्ट है घूमने के लायक, अपन आ रखे हैं, बट अंदर वीडियो नहीं बनाने देंगे। हाँ अंदर वीडियो का सीन नहीं है, बट अपन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चक्कर के मैप के चक्कर में हम मतलब 2 राउंड मार के आ रहे हैं उसी जगह। तालियां तालियां। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। चलो चलो खाएंगे। चलो अब ट्रेन का टाइम भी होने वाला है 1 घंटे का।
गाइस, तो अभी ट्रेन आ चुकी है, 6 बज चुके हैं फाइनली। सारी रात तो जग के गुजारी हमने, तो अब यहाँ से निकलेंगे जबलपुर, उसके बाद आगे का सीन दिखाते हैं। हाँ तो आगे चल के ले लेना, नहीं मर जाएंगे। रेंट पे बाइक या स्कूटी उठाएंगे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे उठाते हैं। यार इधर ओए लड़के, ये स्टेशन के जस्ट बाजू पे है। उसको देख रहा हूँ, वो जो बंदा था। हाँ वो नहीं पता, उसको देख रहा हूँ। क्या तो क्या यहाँ पे मिलती है रेंट पे। हो गया ना? हाँ डन, रेडी। ठीक है तो चले बेटा। ओके तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ, ये रही दमनो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो यहाँ पे डाटा राइट, वहाँ पूरे हुई डाटा ही है। और वो बना हाँ तो जा ना वहाँ भाई। ये देखो हम लोग सिर्फ शॉप में रुके थे, शॉपिंग कर रहे थे, यहाँ पे एक शूशू करने, ये आदमी 1 किलोमीटर दूर ले यार शूशू करने। गोल वाली बात है ना, ये ठीक है। पसंद किया मैंने, लेकिन देखो प्राइस सही बताता तो उठा लेंगे यहीं से। हम बोले हो गया भैया, आप हो गया पूरा। तो हम यहाँ पे अपना लगेज पूरा रख चुके हैं, अब सीधा निकलना है यहाँ से भेड़ाघाट स्कूटी से। भैया बता रहा है कि काफ़ी रास्ता ख़राब है, पकड़ो लंडे। बट हमें नहीं लगता कि रास्ता हम लोगों के लिए ख़राब है। बता दूं थक गया हूं मैं। बड़ा यहां से कितना किलोमीटर बाकी है अभी? चलो देखते हैं पहले। खाओ खाओ, अब यहां से कुछ किलोमीटर बाकी है, 10-12 किलोमीटर। करें स्कूटी का सफर तय किया तो करना तो पड़ेगा। चलो
होगा तुझे इंतजार। ये भाई पार्किंग किधर है? सामने लगा लेने का। ओ वो क्यों ग्रीन शो हो रहा है यहाँ पे? लाइट का कुछ रिफ्लेक्ट होगा ना फिर वहाँ ग्रीन शो हो रहा है येलो का। हट गई दो सेकंड के लिए। हेलो बाइक कुछ साहब एंट्री किया अब बाइक लेके आते रहे हम लोग, स्कूटी लेके आते थे अंदर तक, लेकिन सीढ़ी कहाँ से उतार, ये उधर साइड पे घूम के आ रहे शंकर जी की जो मूर्ति बड़ी सी है ये है। भाई यहाँ पे दिन में इतना मस्त सीन आता ना क्या बताएं। भाई ये दिन में अलग ही दिखता है, रात में अपन को व्यू नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? सीधे निकलेंगे, बहुत जोर ठंड लग रही है। सीधा रेलवे स्टेशन उनकी स्कूटी देखे, टाइम नहीं है बेटा, मूवी नहीं देख सकते। चलो कितना दोगे? कितना? अरे रहने दो, बता दो ना भाई, एक बार बता दो, बता दो मार्क्स लेना। अरे नहीं ना, अरे मैं फेमस हो गया, मेरे फैंस आजू बाजू घूमे, काम नहीं कर पाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अब सीधा यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बस छूट जाएगी। किधर किधर? सीधा सामने। ओके ओके ओके। ऑलराइट गाइस, तो अभी बस मिल गई फाइनली, तो एक बस बची थी वो भी रीवा की, तो रीवा के लिए बस मिली है वहाँ से। अब रीवा से हमें बस पकड़नी पड़ेगी सीधी के लिए, रीवा उतर के अब वहीं पे डायरेक्ट मिलते हैं सीधी। बाय बाय।